हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो लास्ट के लेक्चर में हमने देखा था करंट लिमिट कंट्रोल। ठीक है दोस्तों, हमने देखा था करंट लिमिट कंट्रोल। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट के लेक्चर में हमने देखा था करंट लिमिट कंट्रोल। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्लोज लूप टॉर्क कंट्रोल। ठीक है दोस्तों, तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्लोज लूप टॉर्क कंट्रोल। और एक और चीज आज के लेक्चर में देखेंगे, जो तीन पार्ट मैंने बताया था, जैसा कि तीन तरीके जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, उसमें पहला था करंट लिमिट कंट्रोल जो हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लोज लूप टॉर्क कंट्रोल, और जो तीसरा पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे क्लोज लूप स्पीड कंट्रोल, क्लोज लूप स्पीड कंट्रोल ये पढ़ेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं, पहले हम देखते हैं क्लोज लूप टॉर्क कंट्रोल, क्लोज लूप टॉर्क कंट्रोल। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम देखते हैं क्लोज लूप टॉर्क कंट्रोल। ठीक है, अब क्लोज लूप टॉर्क कंट्रोल में क्या होगा दोस्तों, पहले इसका डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में दोस्तों, जैसे मैंने बताया था कि एक ड्राइव का पार्ट है, तो ड्राइव के पार्ट में तीन चीजें आराम से पहले ही बना लीजिए। एक है आपका कन्वर्टर, एक कन्वर्टर आपका, ठीक है, कन्वर्टर के बाद आपका मोटर, ठीक है, मोटर के बाद आपका लोड। ये तीन चीज आप पहले ही बना लीजिए। अब हम देखते हैं कि अब हम पढ़ रहे हैं क्लोज लूप टॉर्क कंट्रोल। ठीक है, तो अगर टॉर्क कंट्रोल पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपका एक टॉर्क सेंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका एक टॉर्क सेंसर हो जाएगा, जैसे कि पिछले लेक्चर में आपने देखा था। पिछले लेक्चर में यहाँ पे क्या हो गया था, जब क्लोज लूप करंट लिमिट कंट्रोल हम पढ़ रहे थे, तो इस केस में यहाँ पे क्या हो गया था, करंट सेंसर हो गया था। इस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, टॉर्क सेंसर। ठीक है, अब टॉर्क सेंसर के बाद दोस्तों ये जो होता है वो फीडबैक होता है, फीडबैक होता है, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ उस समय। ठीक है, ये फीडबैक होता है इस तरीके से, माइनस ये आपका प्लस, ये हमारा हो गया टॉर्क और ये हो गया टी स्टार। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे एक और बॉक्स होता है दोस्तों, यहाँ पे मैं बताना भूल गया, लेकिन यहाँ पे एक ब्लॉक बॉक्स होता है, वो होता है टॉर्क कंट्रोलर का, टॉर्क कंट्रोलर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक बॉक्स होता है टॉर्क कंट्रोलर का, और यहाँ पे एक टॉर्क सेंसर लग जाता है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों ये काम कैसे करता है। ठीक है, काम करने में क्या होता है, इसका ज्यादातर यूज ना वो जो इलेक्ट्रिक ड्राइव्स है या इलेक्ट्रिकल गाड़ियां हैं, जैसे कि ई रिक्शा और बाकी ये सब चीजें काफी चलन में इंडिया में, इनका इनमें इनका यूज होता है। ये जो टी स्टार है दोस्तों, ये रेफरेंस टॉर्क है, ये आपका रेफरेंस टॉर्क है जो ड्राइवर अपने एक्सेलरेटर से सेट करता है। ठीक है दोस्तों, अब ये रेफरेंस टॉर्क सेट है, और ये अभी का टॉर्क है, जो अभी टॉर्क है गाड़ी का। तो ऐसे में क्या होगा, जैसे ये टी रेफरेंस बढ़ेगा, तो ये जो डिफरेंस होगा टी माइनस टी स्टार माइनस टी का, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है एडिशन, तो टी स्टार माइनस टी का डिफरेंस बढ़ेगा। ये जो टॉर्क कंट्रोलर है इसी डिफरेंस को मेजर करता है, और उसके हिसाब से आपके क्या करता है, कन्वर्टर से सप्लाई को चेंज करता है, जिससे मोटर की टॉर्क इंक्रीज हो जाती है। और ये कब तक होता है दोस्तों, जब तक जैसे इंक्रीज हुआ, फिर टॉर्क की वैल्यू ली गई, फिर टॉर्क देखा गया कितना है, फिर टॉर्क इस टी स्टार में से माइनस किया गया, तो जैसे जैसे टॉर्क यहाँ बढ़ता जाएगा और इसको इसमें से माइनस करके ये कंट्रोलर चेक करता रहेगा। अब जैसे ही टी स्टार माइनस टॉर्क टी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये लूप आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव डिफरेंस नहीं रहेगा और ये लूप आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये लूप ये जो है आपका वो गाड़ियां और बाकी इन सब चीजों में यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके बारे में इतना ही है, अगर आप एग्जाम में लिख देंगे तो आपका ये अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर दूसरा हम पढ़ते हैं, ये आपका है क्लोज लूप स्पीड कंट्रोल। ठीक है, क्लोज लूप स्पीड कंट्रोल। ठीक है दोस्तों, दूसरा है क्लोज लूप स्पीड कंट्रोल।
अब क्लोज लूप स्पीड कंट्रोल दोस्तों, ये जैसा कि आपने बहुत जगह पे देखा होगा और बहुत जगह पे बताया भी है कि सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला कंट्रोल लूप है, हर जगह यूज किया। जैसे मैंने पिछले केस में बताया कि क्लोज लूप टॉर्क कंट्रोल जो होता है आपका, वो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज किया जाता है, लेकिन इसका यूज हर जगह किया जाता है। अब इसका यूज हर जगह क्यों किया जाता है दोस्तों, इसमें दोनों, क्योंकि इसमें टॉर्क और स्पीड दोनों का साइमल्टेनियस कंट्रोल होता है। टॉर्क और स्पीड दोनों का साइमल्टेनियस इफेक्ट आप देख सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, इसीलिए ये सबसे मोस्ट वाइडली यूज मेथड होता है और ये दोनों को बैलेंस करके चलता है। ठीक, अब ये कैसे, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि क्या ये कैसे हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम की सेम कहानी, आप अगर ये वो है तो आप कन्वर्टर, यहाँ पे कन्वर्टर आप रख लीजिए पहले ही। अगर ड्राइव है, तीन चीजें जैसा कि मैंने बताया, मोटर रख लीजिए और फिर आपका लोड रख लीजिए, ये तो होगा ही क्योंकि ड्राइव है। अब हमें देखना है कि ये कैसे, अब इसके बाद क्या क्या लूप है। तो इसमें दोस्तों दो लूप होता है, ठीक है, दो लूप होता है इसमें। एक लूप होता है करंट का, ठीक है, करंट का लूप होता है। तो याद है आपको कि करंट लिमिट कंट्रोलर में क्या बनाया था, तो यहाँ पे आपका करंट सेंसर हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो गया, करंट सेंसर। दूसरा क्या हुआ, इस करंट सेंसर को यहाँ पे हम लेके आ गए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे होता है करंट कंट्रोलर, कंट्रोलर बोल लें या करंट कंट्रोलर बोल लें, ठीक है। तो देखा दोस्तों आपने, ये पूरा का पूरा जो ये इनर लूप है, जो पहला लूप है, ये आई स्टार और ये आई, ये पहला लूप है, ये पूरी तरह से करंट लिमिट कंट्रोलर की तरह है, ठीक है। अब दूसरे लूप की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, तो एक और लूप, ये लूप होता है आपका स्पीड का, ठीक है, तो ये स्पीड का लूप होता है। इसमें हुआ स्पीड सेंसर आगे बढ़ा, ठीक है, आगे बढ़ के आया यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, आपको समझ में, अभी समझ रहे हैं हम, बाकी चीजें जब मैं क्लियर करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तो भी आपको समझ में आएगा। अभी आप देख लीजिए कि डायग्राम किस तरीके से बनाना है, ठीक है, याद रहेगा आपको इस तरीके से। फिर इसको ऐसे लेके आया, ये आउटर लूप बना रहा हूँ दोस्तों, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे एक और समर बनाया, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। और इसके बाद जैसे मैंने बताया, ये ओमेगा स्पीड है, ओमेगा एम, और ये है ओमेगा एम स्टार, ये दोनों स्पीड है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कौन सा कंट्रोलर रहेगा, अगर स्पीड की बात कर रहे हैं तो दोस्तों स्पीड कंट्रोलर, यहाँ पे करंट की बात कर रहे थे तो करंट कंट्रोलर, टॉर्क की बात कर रहे थे टॉर्क कंट्रोलर, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्पीड, स्पीड कंट्रोलर, ठीक है दोस्तों, ये आपका स्पीड कंट्रोलर हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे होता है करंट लिमिटर, करंट लिमिटर, और ये आपका ये पिछले वाले लूप से जाके जुड़ जाता है, ये पिछले लूप से जाके जुड़ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें दो लूप होता है, पहला लूप एज इट इज करंट लिमिट कंट्रोल की तरह जैसा हमने देखा था, दूसरा लूप स्पीड का लूप होता है, स्पीड सेंसर से ये वैल्यू निकल के जाती है ओमेगा एम, फिर अब यहाँ पे अगर ओमेगा एम, फिर यहाँ पे एक समर होता है, अब यहाँ पे अगर स्पीड आया तो यहाँ पे स्पीड कंट्रोलर लगेगा, स्पीड कंट्रोलर के बाद करंट लिमिटर लगता है, करंट लिमिटर क्यों लगता है ये भी बताऊंगा, फिर उसके बाद एक आई रेफरेंस जनरेट होता है। अब इस पूरे ब्लॉक को समझने के लिए ना, हम एक रियल एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको, इस ब्लॉक को, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए यहाँ पे ये जो ओमेगा रेफरेंस है ना, ये स्पीड डिमांड है, जो स्पीड की डिमांड हुई, सपोज कर लीजिए ओमेगा रेफरेंस से आपने स्पीड आपने सेट कर दी 1500 आरपीएम या 2000 या जितनी भी आरपीएम आपने 3000 सेट की, तो जैसे ही आपने आरपीएम को इंक्रीज किया, ये वाली वैल्यू जो कि अभी करंट स्पीड है, जो करंट स्पीड कैसे है, यहाँ से जो स्पीड सेंसर बता रहा होगा उससे कंपेयर हुई, कंपेयर होने के बाद जैसे ही डिफरेंस बढ़ा, इस स्पीड कंट्रोलर ने क्या किया, इस स्पीड कंट्रोलर ने करंट का सिग्नल जनरेट किया कि नहीं भाई करंट बढ़ाओ, ठीक है। तो करंट लिमिटर क्यों लगाया है दोस्तों, जैसे इस स्पीड कंट्रोलर ने करंट इसके अकॉर्डिंग तो कर दी, लेकिन करंट लिमिटर लगाना जरूरी है कि करंट अगर उतना भी बाहर ना हो जाए जो मोटर की रेंज से ही ना हो, ठीक है। तो स्पीड कंट्रोलर ने करंट तो बढ़ाया लेकिन इतना भी बाहर ना हो जाए कि मोटर की रेंज में ही ना हो, तो इसके बाद यहां से क्या हुआ, एक आई रेफरेंस करंट जनरेट हुआ ओमेगा स्टार के करेस्पॉन्डिंग, ओमेगा के करेस्पॉन्डिंग क्या हुआ, एक आई रेफरेंस करंट जनरेट हुआ।
अच्छा दोस्तों, मैं आपको देख सबसे पहली चीज मैंने जो शुरू में बताई थी कि ये स्पीड और टॉर्क दोनों का कंट्रोल बताता है। तो दोस्तों मैंने इसमें टॉर्क तो कहीं लिखा नहीं, फिर ये टॉर्क का कंट्रोल कैसे बताता है? दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मैंने बताया था। तो इसी तरह से ये जो लूप है ये टॉर्क को रिप्रेजेंट करता है, और ये लूप जो होता है वो स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली इसमें दोनों का कंट्रोल हमें देखने को मिलता है, टी का और ओमेगा का। ठीक है दोस्तों, तो अब इस बात पे आ जाते हैं। एक आई रेफरेंस जनरेट हुआ, यानी रेफरेंस टॉर्क जनरेट हुआ है। अब उस टॉर्क को फुलफिल करने के लिए ये सर्किट अपनी स्पीड को या करंट को बढ़ाता जाएगा। अब जैसे जैसे क्या करंट कंट्रोलर क्या करेगा, करंट बढ़ाता जाएगा, करंट बढ़ाता जाएगा, जब तक, और यहाँ पे स्पीड भी बढ़ती जाएगी। तो इस लूप में जब तक ओमेगा एम और ओमेगा माइनस का डिफरेंस, जैसे देखिए दोस्तों ओमेगा एम माइनस का डिफरेंस घटेगा, तो यहाँ पर रेफरेंस करंट भी उसी के करेस्पॉन्डिंग कम होगा, और ये वाला लूप भी उसी के करेस्पॉन्डिंग जल्दी जीरो पे पहुंचेगा। यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा, जब सब कुछ सॉल्व हो चुका होगा, जो स्पीड होगी वो अटेन हो रहा होगा, ओमेगा स्टार माइनस ओमेगा एम इज इक्वल्स टू जीरो, और आई स्टार माइनस आई इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है दोस्तों, या टी स्टार माइनस टी इज इक्वल्स टू जीरो। तो इस तरीके से मैंने बताया दोस्तों कि अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछ लीजिएगा, लेकिन ये एक मोस्ट वाइडली यूज लूप होता है और इसका हर जगह यूज किया जाता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।